चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को भी पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िये के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िये की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िये के गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। चींटी और घमंडी हाथी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती थी। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था, जिसका नाम डम्बो था। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता था, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता था। आओ आओ, मुझसे पंगा जो लेगा उसको कुचल के रख दूंगा। मैं जंगल का हाथी हूँ। मेरा नाम डम्बो हाथी है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। डम्बो हाथी हमेशा ऐसे ही लोगों को डराता था और परेशान किया करता था। अच्छा, डम्बो को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता था अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता था। एक दिन चींटी रानी ने डम्बो से बड़ी विनम्रता से कहा, डम्बो जी, आप लोगों को परेशान क्यों करते हैं? ये आदत अच्छी नहीं है। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ए, छोटी सी मामूली चींटी, तू मुझे समझाएगी? अपनी साइज में रहे, देख रही है तू मैं कितना बड़ा और बलवान हूँ।
मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी फौज को कुचल के रख दूंगा। रानी चींटी ने डंबो की बात सुनी और वहाँ से चुपचाप निराश होकर चली गई। लेकिन उसने मन ही मन में डंबो हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले दिन चींटी पास की ही झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से डंबो हाथी की सूंड में घुस गई। फिर क्या था? ये क्या है मेरी नाक में? अरे बहुत उलझन हो रही है। डंबो हाथी इस बात से बहुत परेशान हो गया। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द के मारे करहाने लगा और बाद में रोने लगा। मेरी नाक में क्या हो गया है? मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ। ये देखकर चींटी ने डंबो हाथी से कहा, भैया आप दूसरों को परेशान करते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है। आप खुद को परेशान होते देखकर आपको पता चला कैसा लगता है? रानी चींटी की बात सुनकर डंबो हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का गलत इस्तेमाल किया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। रानी चींटी को हाथी की बात सुनकर उस पर दया आ गई। उसने उसे माफ किया और उसकी सूर से बाहर आ गई। लेकिन हाँ, रानी चींटी ने डंबो हाथी को एक बात और समझाई। डंबो भैया, कभी भी किसी छोटे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रानी चींटी की बात सुनकर डंबो बोला, मुझे सबक मिल चुका है रानी चींटी, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद से डंबो हाथी सबकी मदद करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों के दुख और तकलीफ में हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। आज की कहानी, उड़ने वाला बंदर। एक बार एक टिप्पी नाम का बंदर एक नदी किनारे खेल रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पक्षी के पंख पर पड़ी। उसने वो दोनों पंख उठा लिए। टिप्पी उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ और उन्हें उठाकर घर ले आया। उसने उड़ते हुए सारस को देखा और बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। ये सारस बहुत भाग्यशाली है, देखो ये उड़ के कहीं भी जा सकता है, नदी के ऊपर से उड़ सकता है। काश मुझे भी किसी तरह पंख मिल जाते ताकि मैं भी उड़ सकता। ये सोचते हुए टिप्पी ने सावधानी से गोंद लगाकर उन दो पंखों को अपनी पीठ पर चिपका लिया। फिर वो बगीचे में चला गया। शाइनी नाम का एक सारस बगीचे में एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। शाइनी, अब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। शाइनी, सच में ये कैसे संभव है? टिप्पी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाता है। शाइनी, टिप्पी आप केवल पंख लगाकर नहीं उड़ सकते। चलो मैं शर्त लगाता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुमको उड़ के दिखाया तो। शाइनी, अरे भूल जाओ, आप शर्त कभी नहीं जीतोगे। मैं निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर उड़ान भरने में सक्षम हो जाऊंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। शाइनी, ठीक है, यदि आप शर्त जीतते हैं तो पूरा 1 महीने मैं आपका नौकर बन जाऊंगा। टिप्पी शर्त मान लेता है और घर आकर पूरी रात वो यही सोचता रहता है कि वो उड़ेगा कैसे, कैसे वो ये शर्त जीत पाएगा। पूरी रात उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन उसकी माँ फ्लाइंग बैलून के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एक बलून बनाया गया था। इसमें हीलियम की गैस भरो तो बलून उड़कर आसमान में चला जाता था। टिप्पी को अपना आइडिया मिल गया था। उसी तर्ज पर उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने तुरंत जाकर एक गुब्बारा खरीदा और उसमें हीलियम गैस भर दी। जैसे ही हीलियम गैस बलून के अंदर गई, वैसे ही बलून हवा में ऊपर उड़ने लगा। टिप्पी ने गुब्बारे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और गुब्बारे के साथ उड़ने लगा। उस समय उड़ने वाले पक्षियों ने टिप्पी को ध्यान से देखा और उनमें शाइनी भी था। वो टिप्पी के पास आकर उड़ने लगे। टिप्पी को उड़ता देख वो सब बहुत रोमांचित हो गए। शाइनी, आप शर्त जीत चुके हो,
अब आप नीचे मैदान में आ सकते हैं। पर टिप्पी नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि गुब्बारा हवा में और ऊपर ऊपर जा रहा था। वो डर गया, अगर वो नीचे आया तो पक्षी और जानवर जान जाएंगे कि उसने गुब्बारे की मदद से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद बलून से हवा निकल गई और टिप्पी धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे बुरी तरह से चोट भी लगी और सभी ने टिप्पी के पास गुब्बारा पड़ा देख लिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने गलत तरीके से शर्त जीतने की कोशिश की थी ना, अब मजा आया। तभी टिप्पी की माँ वहाँ आई। माँ ने कहा, टिप्पी प्रकृति ने हम सबको अनोखा बनाया है, जैसे कुछ पक्षी चल या दौड़ नहीं सकते हमारी तरह, इसी तरह हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते, इसलिए किसी की भी नकल करना मूर्खता है। टिप्पी ने शाइनी से माफी मांगी।